So next problem is, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 degree to 60 degree. So, इसमें पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बोला गया है कि 30 मीटर की कोई टॉल बिल्डिंग है, तो हमें पहले एक बिल्डिंग क्रिएट कर देनी है. सो 30 मीटर की कोई टॉल बिल्डिंग है, हमने इस बिल्डिंग का एक नेम दे देते हैं. सो इट इज ए वी, यानी बता देते हैं कि ये हमारी जो बिल्डिंग है वो 30 मीटर की है. देखिए अब यहाँ पर जो समझने का है वो क्या है कि 1.5 मीटर टॉल वो है, कोई एक बंदा है जो कि 1.5 मीटर का है और वो कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है इस बिल्डिंग से. सो मान लेते हैं ये पहले तो एक ग्राउंड क्रिएट हो गई होगा, तो यहाँ पे मैं इसको पहले से बना देती हूँ. यहां से कुछ दूरी पर एक 1.5 का जो पर्सन है वो यहां पर है, ठीक है. सो इसको हम बना देते हैं 1.5 है. अब बोला क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसकी आईज से बिल्डिंग के टॉप पर जो एलिवेशन एंगल बन रहे हैं वो क्या है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. एज ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ही मतलब मान लीजिए कि इसका जो सरफेस हम लेंगे, इसके हॉरिजॉन के पैरेलल यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है. सो इसकी आईज से टॉप पर जो बन रहा है वो पहले तो बन रहा है 30 डिग्री का एंगल है, तो पहले वो क्रिएट कर देते हैं. सो ये एंगल उसने बनाया है टॉप बिल्डिंग के टॉप पर 30 डिग्री का, ठीक है. और इसमें बोला गया है कि एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ही वो बिल्डिंग की साइड में गया तो उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री का हो गया. इट मीन्स वो कहीं यहां पर आया बिल्डिंग के पास में, तो उसका जो एंगल है वो 60 का यहां पर कहीं हो गया. इसको मैं ऐसे बना देते हैं, ठीक है, राइट. अब देखिए, अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. जैसे ही वो यहां से यहां पर आया तो इस वाले डिस्टेंस को हमको फाइंड करना है कि वो कितना चलते हुए यहां पर आया होगा. अब हमने इसका पहले एक नेम मेंशन कर देते हैं, तो ए वी सी डी ई एफ हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है. अब इसमें देखिएगा, अगर 1.5 का ये है तो 1.5 का ये भी हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी 1.5 का है, जो बंदा खड़ा हुआ है वो तो इसमें इंक्लूड हो गया. 30 मीटर की बिल्डिंग में कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है, उसके पास में अगर हम भी हैं तो पूरी बिल्डिंग जो है उसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी. सो 1.5 का ये है, 1.5 का ये हो गया. अब हमें क्या करना है, हमको पहले इतना डिस्टेंस फाइंड करना है कि जो ए एफ का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा. अगर हम 30 में से 1.5 को माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, कितना डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला, 28.5 मीटर का, ठीक है. अब देखिएगा, अब हमको फाइंड करना है ये वाली वैल्यू, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स के थ्रू, इसको बोल देते हैं वाई, और जो पूरा टोटल डिस्टेंस है इसको हम बता देते हैं जेड. अगर ये वाला जेड है तो ये ऊपर वाला भी जेड होगा, ठीक है. और हमको क्या फाइंड करना है कि ये बंदा यहां से यहां पर जब शिफ्ट हुआ तो उसकी डिस्टेंस क्या हुई. सो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं. सो हमें इसमें पहले ट्राइंगल लेना होगा, तो हम बात करेंगे पहले इन ट्राइंगल ए डी एफ, सिर्फ इस ट्राइंगल के लिए बात करेंगे. सो इन ट्राइंगल ए एफ डी भी ले सकते हो. सो ए एफ डी, देखिए ए एफ डी में हमें क्या लेना होगा, 10 30 डिग्री. अब जैसा कि हमारे पास परपेंडिकुलर वेज गिवन है तो हम इसमें 10 का यूज करेंगे, रेशियो हमारा 10 यूज हो जाएगा, तो 10 30 इक्वल ए एफ ओवर एफ डी, पूरा बात लेंगे इसमें. सो हम एफ डी के लिए ले लेंगे, 10 30 की हमारी वैल्यू हो जाती है 1/√3 इक्वल ए एफ, ए एफ इज 28.5. सो 28.5 एंड एफ डी इज, हमने एफ डी को पूरा क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, जेड के थ्रू, तो हम जेड ले लेते हैं. सो आपका जेड की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, जेड इक्वल 28.5√3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब देखिए इसको हम जरा सॉल्यूशन ले लेते हैं, पॉइंट को उठा के नॉर्मल फॉर्म में ले लेते हैं, रेशनल फॉर्म में. सो 285√3/2, इसको हम कैंसिल करते हैं 5 की टेबल से. सो ये कैंसिल हमारा हो जाएगा 57 टाइम्स,
और यहाँ पर 10 आएगा, सॉरी इधर 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली हमको जो जेड की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, 57 ओवर 2 रूट 3 मीटर। ये हमने पूरी इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमको क्या करना होगा, हम पहले इसका डिस्टेंस फाइंड करके फिर जब इस पूरे डिस्टेंस में से अगर ये वाला माइनस कर दें तो ये हमको ये एक्स मिल जाएगा, हम वही इसमें करने वाले हैं। सो हम पहले हम बाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो इन ट्राइंगल ए एफ ई टेन 60 डिग्री इक्वल ए एफ ओवर एफ ई। अब देखिए sin 60 की वैल्यू हमारी क्या है, रूट थ्री। सो रूट थ्री इक्वल 28.5 ओवर y, सो y इक्वल 28.5 ओवर रूट थ्री, ये वो में आ जाएगा। अब हमको पता है कि नीचे रूट है तो उसको हमें कैंसिल करना होगा, तो हम रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन। सो इट विल बी देखिए 57 ओवर 2 जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया था इसकी वैल्यू को, और ये वहां से हो जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा हमारा रूट 3, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 19। तो ये आपको यहां से मिल जाएगा 19 रूट 3 ओवर 2 मीटर। हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड किया, y की। अब इन शॉर्टली हमको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, x की। अब हमें x की वैल्यू जो फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, z इक्वल x प्लस वाई, जस्ट बिकॉज ये पूरा जो डिस्टेंस है वो x प्लस वाई को हम इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमको यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो जो भी z की वैल्यू अपने फाइंड की थी यहाँ पे उसको पहले पुट कर सकते हैं। सो इट विल बी 57 ओवर 2 रूट 3 इक्वल x प्लस 19 रूट 3 ओवर 2। अब यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, सो ये हो जाएगा x इक्वल 57 ओवर 2 रूट 3 माइनस 19 रूट 3 ओवर 2। इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x इक्वल 38 ओवर 2 रूट 3। जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो माइनस हो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया 19 टाइम्स। सो फाइनली आपको डिस्टेंस कितना मिल गया, 19 रूट 3 मीटर, ठीक है। सो इसका जो डिस्टेंस था हमने फाइंड कर दिया 19 रूट 3 मीटर। इसका एक स्टेटमेंट फाइनल लिख देते हैं, Hence he walked 19 root 3 meter towards the building. तो इस टाइप से मैं फाइनली स्टेटमेंट करके इसको खत्म कर देना चाहिए।